वेल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सोलैंड की लेटेस्ट एपिसोड 228 के बारे में जानने वाले हैं। तो और ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम यहाँ पर ग्रैंड मास्टर को देखते हैं, जो कि कह रहे होते हैं कि ब्लैक टाइगर सेक्ट और ड्रैगन सेक्ट ने मिलकर यहाँ पर त्यांदो एम्पायर की सेना को काफी ज्यादा नुकसान किया है। ब्लैक टाइगर सेक्ट और सेक्रेड ड्रैगन सेक्ट यहाँ पर काफी फियर्स तरीके से त्यांदो एम्पायर की सेना पर हमला कर रही है। हालांकि हमारी तरफ से यहाँ पर एक स्पिरिट मास्टर ने ट्रूप्स का पीछा किया था, पर इसके बावजूद हमारे लिए यहाँ पर सभी चीजों को अपने पक्ष में बदलना काफी ज्यादा मुश्किल है। और अगर अभी टू विंग की आर्मी यहाँ पर हमारे ओपोनेंट को हराने में कामयाब नहीं होती है तो हमारे लिए हालात बद से बदतर हो जाएंगे और ये डेफिनेटली हमारी टीम की स्पिरिट को काफी डीपली इफेक्ट करने वाला है। वहीं फिर हमें यहाँ से जंग के मैदान का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि त्यांदो एम्पायर की सेना और वुहान एम्पायर की सेना एक दूसरे से काफी बेरहमी से लड़ रहे होते हैं। और यहाँ पर एक तरह से वुहान एम्पायर की सेना त्यांदो एम्पायर की सेना पर हावी होती भी नजर आ रही होती है। पर जैसे ही यहाँ पर त्यांदो एम्पायर की सेना हारने की कगार पर होती है, हम देखते हैं कि वहाँ पर फोर एलिमेंट अकेडमी की डिसाइपल्स की टीम आ जाती है, जो कि अब यहाँ से त्यांदो एम्पायर की सेना की मदद करने लगती है। यहाँ पर फोर एलिमेंट अकेडमी के डिसाइपल्स अपने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वुहान एम्पायर की फौज पर हमला करने लगते हैं और यहाँ से वुहान एम्पायर की सेना को बुरी तरह से हराने लगते हैं। हम देखते हैं कि गॉडविंड अकेडमी का डिसाइपल अपने विंड की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वुहान एम्पायर की फौज पर हमला कर देता है। और यहाँ पर वुहान एम्पायर की फौज के पास इस अटैक का कोई भी जवाब नहीं होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर जंग के मैदान में स्नोफ्लेक्स गिरने लगते हैं, जो कि यहाँ से स्काईवाटर अकेडमी के डिसाइपल्स का आने का एक संदेश होता है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर स्काईवाटर अकेडमी के डिसाइपल्स आ जाते हैं और अब वे भी यहाँ से वुहान एम्पायर की फौज पर हमला कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर फोर एलिमेंट अकेडमी की ब्लेजिंग अकेडमी आ जाती है और अब यहाँ से ब्लेजिंग अकेडमी के डिसाइपल जिसका नाम हुआ वो होता है, वो यहाँ से अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वुहान एम्पायर की फौज पर हमला कर देती है। वो एक फायर एट्रीब्यूट की डिसाइपल होती है। वो यहाँ से अपनी फायर एट्रीब्यूट्स की पावर का इस्तेमाल करते हुए हम देखते हैं कि वुहान एम्पायर की फौज पर ऊपर से आग बरसाने लगती है। और यहाँ पर वुहान एम्पायर की फौज के पास भी इस अटैक का कोई भी जवाब नहीं होता है और यहाँ से सभी वुहान एम्पायर के सोल्जर्स यहाँ से पीछे की तरफ भागने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ से ब्लेजिंग अकेडमी और गॉडविंड अकेडमी के डिसाइपल्स अपनी पावर्स को कम्बाइन करके एक ज्वाइंट अटैक परफॉर्म करते हैं और यहाँ से वुहान एम्पायर की फौज पर हमला करते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर वुहान एम्पायर की तरफ से सेक्रेड ड्रैगन सेक्ट के ड्रैगन यहाँ से इस अटैक को काउंटर करने की कोशिश करते हैं, पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर फोर एलिमेंट अकेडमी की थंडर क्लैप अकेडमी के डिसाइपल्स आ जाते हैं और फिर यहाँ से अपनी थंडर की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उन सभी ड्रैगन्स को बड़े इजीली मार देते हैं। और फिर हमें यहाँ से एक काफी ग्रैंडियोस सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि अभी यहाँ से फोर एलिमेंट अकेडमी के डिसाइपल्स अभी यहाँ से त्यांदो एम्पायर की ढाल बनकर खड़े हैं और सभी डिसाइपल्स यहाँ पर अपने स्पिरिट्स को बाहर निकाल लेते हैं और उनके ठीक सामने यहाँ पर होते हैं त्यांदो एम्पायर के स्पिरिट मास्टर्स। और फिर यहाँ से सभी अपने स्पिरिट्स को बाहर निकाल लेते हैं और हम देखते हैं कि पूरा आसमान स्पिरिट्स से जगमगा जाता है। मास्टर जीलोंग जब यहाँ पर इस नजारे को देखते हैं तो वह काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वह यहाँ से कहते हैं कि जो कि यहाँ पर हमारी फोर एलिमेंट अकेडमी की टीम आ चुकी है और अब वह यहाँ से त्यांदो एम्पायर की सेना की मदद कर रही है, तो हमने इसी अपने सिटी अटैक स्क्वाड की कैजुअलिटीज को काफी हद तक कम कर लिया है। ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि यहाँ पर हमारे सिटी अटैक ट्रूप की कंडीशन अब बदल चुकी है और अब यहाँ से इस जंग का फैसला इस पर निर्भर करता है कि आखिर कैसे त्यांगशेंग यहाँ पर इन सभी हालातों से ओवरकम करता है और आखिर वह कैसे यहाँ पर बेबी डॉन के साथ डील करता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और इसकी गूंज ग्रैंड मास्टर और मार्शल जीलोंग तक पहुँचती है और सभी इस धमाके से हिल जाते हैं। वे समझ जाते हैं कि ये ब्लू सिल्वर हैमर किंग और बेबी डॉन की लड़ाई का नतीजा है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर त्यांगशेंग अपने हाथ में अपने सीकर का ट्राइडेंट को लिए बेबी डॉन पर हमले की तैयारी कर रहा होता है और अब वह यहाँ से सक्सेसफुली बेबी डॉन के बैरियर को तोड़ देता है। वहीं हम देखते हैं कि जहाँ जीवु दूर खड़ी होकर इस नजारे को देख रही होती है कि तभी उस पर वहाँ पर बियरडोलो मास्टर आकर हमला कर देते हैं और अब यहाँ से जीवु और बियरडोलो मास्टर के बीच में काफी इंटेंस फाइट की शुरुआत हो जाती है। वहीं बेबी डॉन अब त्यांगशेंग से कहते हैं कि त्यांगशेंग आखिर तुम्हें यहाँ पर क्या लगता है कि क्या मेरे पास तुम्हारे इस गॉड टेक्निक के लिए कोई प्रिपरेशन नहीं है, तो तुम गलत हो, मैंने इसके लिए ऑलरेडी तैयारी कर रखी है। और फिर हम देखते हैं कि बेबी डॉन यहाँ से अपनी
दैट स्पाइडर एम्परर के नाइन स्पीड टेक्निक का इस्तेमाल कर दिया और फिर यहाँ पर अपने इटर्निटी के मूव को कॉल आउट कर दिया है। ताक्षाय बेबी डॉम से कहता है कि क्या तुम सच में यहाँ पर डायरेक्टली मेरे गॉड टेक्निक के अटैक को झेलना चाहती हो, तो आखिर ऐसा है तो यहाँ से तैयार हो जाओ। वही हम देखते हैं जीव यहाँ पर अपने टेलीपोर्टेशन के टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बेडोलो मास्टर पर काफी सारे लिथल अटैक्स परफॉर्म करने लगती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर बेबी डॉग टैंक्सिंग से कहती है कि तुम वो नहीं हो जिसने मुझे स्टार फाइटिंग फॉरेस्ट में हराया था, बल्कि वो चीज सी गॉड की सिंबल थी और तुम यहाँ पर उस सी गॉड के वेपन के बिना मेरे सामने टिक भी नहीं सकते हो और तुम मेरे ओपोनेंट के तौर पर खड़े तक नहीं हो सकते और तुम्हारे बिना यहाँ पर त्यांदो एम्पायर की सेना भी हमारे अटैक्स को पल भर के लिए भी झेल नहीं पाएगी। और इतना कहकर हम देखते हैं कि बेबी डॉग वहाँ पर जोर जोर से हंसने लगती है। तांगशाय बेबी डॉग से कहता है कि अगर बात ऐसी है तो तुम यहाँ पर एक बार मेरे सीगॉड का ट्रेंड को ट्राई करके देखो। और इतना कहकर हम देखते हैं कि तांगशिंग वहाँ पर अपने सीगॉड का ट्रेंड का इस्तेमाल करते हुए बेबी डॉग पर निशाना साधता है या फिर यहाँ से अपने गॉडली मूव को कॉल आउट करता है जिसका नाम नॉट बैक अगेन होता है और बेबी डॉग पर हमला कर देता है। हम देखते हैं कि बेबी डॉग भी यहाँ पर इसके रिस्पांस पे अपने स्पीड सकिंग स्पाइडर एम्परर की सिक्स स्पीड टेक्निक का इस्तेमाल करती है और फिर यहाँ पर अपने प्रोफाउंड स्लैश ऑफ स्पेस डिस्ट्रक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करती है और इसका इस्तेमाल करते हुए तांगशिंग के सीगॉड का ट्राइडेंट पर अटैक करती है। इससे पहले कि यहाँ पर तांगशिंग का सीगॉड का ट्राइडेंट और बेबी डॉग का डिस्ट्रक्शन टेक्निक एक दूसरे से टकराता, हम देखते हैं कि जीव यहाँ पर अपने इम्प्रिंटेबल गोल्ड शील्ड का इस्तेमाल करती है और इसका इस्तेमाल करते हुए बियर्डोलो मास्टर पर अटैक करती है और साथ ही बियर्डोलो मास्टर को यहाँ से उछाल देती है और उछाल कर बियर्डोलो मास्टर को यहाँ पर बेबी डॉग के डिस्ट्रक्शन अटैक की बीच में ला देती है और यहाँ से बेबी डॉग का अटैक जाकर बियर्डोलो मास्टर को लगता है और बियर्डोलो मास्टर यहाँ से प्रोफाउंड स्लैश डिस्ट्रक्शन के अंदर खींचे चले जाते हैं और जीव भी यहाँ से हल्के से उस अटैक के चपेट में आ जाती है और यहाँ से जख्मी हो जाती है। और जब तांगशांग इस नजारे को देखते तो वह तुरंत आगे जाकर जीव को बचाता है। वहीं हम देखते हैं कि तांगशिंग का सीगॉड का ट्रेंड आगे जाकर बेबी डॉग से टकराता है। बेबी डॉग वहाँ पर तांगशिंग के सीगॉड का ट्रेंड से बचने की कोशिश करती है, पर इसके बावजूद हम देखते हैं कि यहाँ पर तांगशिंग का सीगॉड का ट्रेंड बेबी डॉग से लगते हुए उसके शरीर से आर पार हो जाता है और बेबी डॉग का शरीर यहाँ पर फट जाता है। और जब यहाँ पर वन एम्पायर के स्प्रिट मास्टर्स इस नजारे को देखते हैं तो वह काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और सभी को अब यहाँ से लगने लगता है कि शायद तांगशिंग ने अब अपने सीगॉड का ट्रेंड को पूरी तरह से मास्टर कर लिया है। और वहीं तांगशिंग का वह सीगॉड का ट्रेंड अब भी रुकने का नाम नहीं लेता है और यहाँ से अपने रास्ते पर आने वाली हर एक चीज को डिस्ट्रॉय करता हुआ बस आगे बढ़ता चला आता है। सीगॉड का ट्रेंड यहाँ से जाकर जेलिंग पास की दीवार से टकराता है और जेलिंग पास का दीवार जो की काफी ज्यादा मजबूत है, लेकिन इसके बावजूद वह तांगशिंग के सीगॉड का ट्रेंड के अटैक को नहीं झेल पाता है और बस मिनटों में चकनाचूर हो जाता है। और जब यहाँ पर वुहान एम्पायर के सोल्जर्स इस नजारे को देखते हैं तो वह काफी ज्यादा डर जाते हैं और यहाँ से पूरी सेना में खौफ का माहौल फैल जाता है। बेबी डॉग जो कि यहाँ पर मर चुकी है और अगर बेबी डॉग यहाँ पर तांगशिंग का सामना नहीं कर सकती तो आखिर कौन कर पाएगा, और ये सोचकर सभी सैनिक काफी ज्यादा डर जाते हैं और सभी यहाँ से पीछे की तरफ भागने लगते हैं और इससे वुहान एम्पायर की पूरी सेना में भगदड़ सी मच जाती है और एक तरह से वुहान एम्पायर यहाँ पर हारने लगता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और जहाँ तक बात इसके नेक्स्ट एपिसोड की है तो वह भी हम जल्द ही अपने इसी चैनल पर अपलोड कर देंगे और अगर आप उसे मिस करना नहीं चाहते तो अभी जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं जल्द ही एक और नई वीडियो एक और नई एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे यार, जाके सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। हम जल्द ही मिलेंगे आपसे सोल लैंड की एक और वीडियो के एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।